Hi, yes, good morning. Myself Shruti. I am teaching only mathematics subject. I have 4 year experience. आज हम इस क्लास में एक टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी पे आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है जो हम, जैसे सपोज y का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, जितने बार उसका हम डेरिवेटिव करेंगे वही उसका ऑर्डर होता है. जैसे dy बाय dx का जो वैल्यू आता है उसमें हमारा क्या हुआ कि dy बाय dx जो मैंने किया वो फर्स्ट ऑर्डर हुआ, और d2 बाय dx स्क्वायर किया वो सेकेंड ऑर्डर हुआ. जैसे किसी कोई वैल्यू दिया हुआ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. मीन्स यहाँ पे अगर हम dy बाय dx करते हैं तो यहाँ पे हमारा 4x प्लस 5 आ जाता है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हुआ. और इसका अगर हम सेकेंड ऑर्डर करते हैं तो ये हमारा आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो ऑर्डर इसी को कहते हैं. अब इसमें एक बात आती है, डिग्री क्या होती है? तो जो ऑर्डर का मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम डिग्री बोलते हैं. सपोज एक इक्वेशन दिया हुआ है d4y अपॉन dx टू दी पावर 4 प्लस d3y अपॉन dx क्यूब प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0, और मैं कर दू इसका पावर 7. तो इसमें मैं बात करूं इस इक्वेशन का कि ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर क्या है. यहाँ पे हम मैक्सिमम ऑर्डर जो देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है. मीन्स इस इक्वेशन का बात करें तो ऑर्डर होगा 4 और ऑर्डर जो ऑर्डर होता है उसी का मैक्सिमम पावर, मीन्स इस पर पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है. तो इसका डिग्री जो हो गया, डिग्री हो गया हमारा 1. ठीक है, अब यहाँ पर कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर का तो यहाँ पे हमारा आता है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q. ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आया. यहाँ पे p और q कांस्टेंट का काम कर, p यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट है. किसका? y का कोएफिशिएंट है. और q, q भी हमारा कांस्टेंट है बट ये प्योर कांस्टेंट है. तो यहाँ पे p जो हमारा आ रहा है वो हमारा आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ y.